पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बोर गांव बुजुर्ग की महिला सरपंच द्वारा पंचों के साथ मिलकर एक बड़ा खेल कर दिया था। पहले मवेशी बाजार की 1 करोड़ की बोली स्थगित कर बंद कमरे में 53 लाख में ठेका दिया। शिकायत बाद SDM पंधाना ने मवेशी बाजार को निरस्त किया। बाद में फिर 2 दिन बाद 1 करोड़ बोली पर ठेकेदार महेश राठौर को ठेका दे दिया गया। महेश ठेकेदार ने मवेशी बाजार की वसूली प्रारंभ की। पता चलते ही आज बोरगांव बुजुर्ग की महिला उप सरपंच दीपाली गंगराडे, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्की गंगराडे के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन पंचों के साथ खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मिली। साथ ही अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले को मवेशी बाजार के ठेके को निरस्त कर बोरगांव बुजुर्ग के मवेशी बाजार ठेका नीलाम कराने की मांग की, जिस पर अपर कलेक्टर काशीराम बड़बोले ने बोरगांव बुजुर्ग के मवेशी बाजार ठेका नीलामी की जांच पंधाना SDM दिनेश सांवले को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज हम कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर साहब को मवेशी बाजार को लेकर शिकायत करने के लिए आए थे, तो उस विषय पर अपर कलेक्टर महोदय जी से बैठ के चर्चा हुई। उन्होंने पंधाना SDM महोदय को जांच के लिए लिखित दे दिया है कि इसकी 3 दिवस में जांच रिपोर्ट पूरी तैयार करके लाए, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। नियम के विरुद्ध हुआ है। 1 करोड़ में भी जो बाजार नीलामी करी गई है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करते हुए, पहले हीन भावना से पैसों का नुकसान होते हुए उसको बाद में 53 लाख से 1 करोड़ पे करा है, वो भी नुकसान ही हुआ है। शासन प्रशासन का नुकसान हुआ है, बोरगांव का नुकसान हुआ है। इसलिए आदरणीय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। और ज्ञापन देने का उद्देश्य ये था कि जो लगातार अपने अधिकारियों द्वारा जो है इसमें जाँच प्रक्रिया के अंदर लापरवाही की जा रही है, पुनः हमारे द्वारा अपने सभी पंच लोग यहाँ पर उपस्थित हुए कलेक्टर कार्यालय के अंदर पुनः ज्ञापन दिया गया है और कलेक्टर साहब द्वारा जो हमें आश्वासन भी दिया गया है। जांच को जो है पर कलेक्टर साहब बड़ोले जी को दी गई है और उन्होंने SDM साहब को 2 दिन के अंदर उसमें निष्पक्ष जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है, तो हम संतुष्ट हैं। देखिए, बोरगांव का जो मवेशी बाजार है उसके जो नीलामी और उसका जो टेंडर प्रक्रिया के बारे में पूर्व 2-3 दिन पहले भी कुछ शिकायत हुई थी, आज फिर कुछ लोग उप सरपंच और कुछ लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो पंधाना SDM को जांच के लिए अधिकृत किया है, जो पूरी प्रक्रिया की जांच कर 3 दिवस में अपना प्रतिवेदन दे और जैसे ही प्रतिवेदन आता है तो जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो करके आगे कार्रवाई की जाएगी।